हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पद्मिनी। सो आप देख रहे हैं पद्मिनी की क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक बेहतरीन ऑयल जो कि आपकी बालों की सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे स्लोली स्लोली ख़त्म कर देगी। और फ्रेंड्स, आजकल स्कैम चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल का। अगर हम उसी टाइप का सेम ऑयल अपने घर पर अच्छे से बनाएं तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगल से चुन चुन कर इंग्रेडिएंट्स लाते हैं और उसका ऑयल बनाते हैं, लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा है ये पता नहीं चल रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। मैंने तो बहुत सारी वीडियो जैसी देखी है, कोई बोल रहा है ये सही है, कोई बोल रहा है ये सही है, तो पता नहीं क्या सही है। लेकिन उस तरह की ऑयल हम अपने घर पर ऑर्गेनिकली बना सकते हैं जो कि हमारे बालों के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और ये हमारे हिसाब से होगी। सो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको मिल जाएगी कुछ पत्ते लेना है जो कि आपकी अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं धीरे धीरे उम्र से पहले, क्योंकि एक उम्र होती है बाल सफ़ेद होने का, वो तो होगा ही, लेकिन उम्र से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसको आप डेफिनेटली कम कर सकते हैं। लेकिन ऑयल मसाज करने के साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी है और हेल्दी डाइट भी लेनी है और लाइफस्टाइल भी हेल्दी होनी चाहिए, साथ ही नींद अच्छे से लेना चाहिए और पानी भी सही मात्रा में पीना चाहिए। और तो और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है, पीसफुल रहना है। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको ऑयल मसाज करना है और एक हेल्दी ऑयल मसाज करना है। पहले से ज़्यादा बहुत, मतलब हमारे जो पहले से हम नारियल का तेल ही यूज करते आ रहे हैं, तो नारियल तेल ही हमारे बालों के लिए बेस्ट है। ये हमारे बालों को पोषण देती है, बालों को अच्छे से बढ़ाती भी है, ग्रो भी कराती है। और नारियल तेल के साथ हम अगर कुछ और एक्स्ट्रा डाल देते हैं उस पर इंग्रेडिएंट्स, तो वो सोने पे सुहागा होगी। सो इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर बालों को काला करने में मदद करेगी वो ऑयल। आपको कोई भी डाई बाहर की ज़रूरत नहीं है करने के लिए, क्योंकि उस डाई में कुछ ऐसी केमिकल होते हैं जो कि आपके बालों को और भी ज़्यादा, मतलब ग्रे बना देते हैं, वाइट बना देते हैं धीरे धीरे। तो उससे बच के रहना है और इस ऑर्गेनिकली अपने घर पर इस ऑयल को बनाना है। अगर हम अपने बालों पर सिर्फ केमिकल ही अप्लाई करेंगे, धूप में घूमते रहेंगे और डस्ट को क्लीन नहीं करेंगे और बिल्कुल, मतलब जो आजकल की खाना है फास्ट फूड ये लेते रहेंगे, तो ये डेफिनेटली हमारे बालों को नुकसान ही पहुँचाएगी। हमको पता नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे बालों को डैमेज करती है और इंटरनली डैमेज करती है। सो इसी वजह से आपको जो मैंने पहले बताया कि हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी खाना भी खाना है, उसके साथ आपको कुछ इन्ग्रीडियंट्स चाहिए जैसे कि गुड़हल का फूल, एलोवेरा जेल, आंवला और कुछ पत्ते जैसे कि तुलसी के पत्ते और कड़ी पत्ता जो आपको मिल जाएगी मार्केट में, और आप ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा ही नीम का पत्ता। नीम का पत्ता बालों को काले करने में मदद करती है। तो इन सारी चीज़ों को आप कुछ इस तरह की ले लें और उसे अच्छे से कूट कर एकदम पेस्ट बना लेना है। ये क्या होगा, हम ग्राइंडिंग नहीं करेंगे, इस तरह से उठे कूटेंगे। तो कूटने के लिए आपके घर में सभी के घर में होगा, क्योंकि हम खाना तो बनाते ही हैं सभी के घर में। तो इस तरह से आपको कूट लेना है और उसका जो जूस है उसे निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे तो वो बालों पे चिपक जाती है और निकलती नहीं है। तो जूस को इस तरह से निकाल कर हम ऑयल में उसे बॉयल करेंगे। एलोवेरा जेल को इस तरह से निकाल लें उसका अंदर का जेल, और एक कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में तेल ले लें आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, और तेल में उन सारी इंग्रेडिएंट्स को जो जूस बनाया था उसको ऐड कर लें और उसे अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद अपने बालों को अच्छे से कोई अच्छा वाला शैम्पू से शैम्पू कर लें। उसके बाद उसको बालों में अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई करना है, जेंटली मसाज करके सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है और 2 या 3 घंटे के बाद बालों को धो लेना है। आई नो कि आपको फैशनेबल रहना है, तो ऑयल करने के बाद आप 3 घंटे के बाद शैम्पू कर सकते हैं, कोई भी अच्छी वाली शैम्पू को इस्तेमाल करके। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ऑयल मसाज करते रहना है।
जैसे हमारी बॉडी को खाना ज़रूरी होती है, इसी तरह बालों को भी ऑयल मसाज करना ज़रूरी होती है। ये खाना होती है बालों के लिए, तो ऑयल मसाज बीच बीच में यानी वीकली 2-3 times ज़रूर करें, और आप चाहें तो शैम्पू उसके बाद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और खुश रहिए। दिस द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय।